गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.3। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन के एक्सरसाइज थे वो डिस्कस कर लिए। आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 रहता है वो सब्स्टिट्यूशन का है। हमें पहले मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकालने हैं, देन आफ्टर वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं 3x - 5 = +1 + 3। तो मुझे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा देखें एक बार 3 से इसको 12, x से इसको x क्यूब 15x आया +3। ये आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। व्हाट हैपेंस जब क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसमें टर्म एंड कंडीशन लगाया है कि वो x की जो वैल्यू है वो एक बार 3 रहती है और दूसरी बार x की वैल्यू 1/2 रहती है। सिंपलीफाई करो, तो अब एक बार x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां मैं 3 लिख रहा हूं ऊपर 2, तो 2 - 15 = 3। तो आ जाएगा 12 × 9, क्योंकि 3 2 times है, 3 × 3 हुआ 15 × 3 = 45 + 3। तो 12 × 9 = 108, 45 + 3 = 108 - 42, और आ जाएगा 6 66 आ गया हमारे पास आंसर आया 66। हम मुझे दूसरी बार वैल्यू पुट करनी है 1/2, तो दूसरा पार्ट रहेगा 1/2 का square - 15/2 × 3, तो आ जाएगा 12 × 1/4 = 15/2 + 3। तो ये कट गया 3 आ गया, 3 − 15/2 + 3, 3 और 3 होता है 6, 15/2 है 6 × 2 = 12, एलसीएम दिया 15/2 दैट इज 13/2 माइनस का क्या आएगा 3/2 ओके माइनस का 3/2 आंसर आएगा। विजिट ऑफ नेक्स्ट जो पार्ट रहता है फोर्थ का बी पार्ट वो कर रहे हैं हम। बी पार्ट है हमारे पास दोबारा से सिंप्लीफाई, तो ए मल्टीप्लाई a² + a + 1 + 5। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा a³ + a² + a + 5। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू एक बार पुट करनी है 0, दूसरी बार पुट करनी है a की वैल्यू 1, एंड थर्ड टाइम रहेगा उसमें एक की वैल्यू डालोगे -1। इसके जो दो पार्ट है वो होमवर्क, और एक पार्ट अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं 0 माइनस वाला कर लेता हूं, मैं थर्ड वाला कर रहा हूं, और ये जो 2 पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। तो एक की वैल्यू जो -1 डाली माइनस आ गया, यहां भी -1 और यहां भी -1 + 5। अगर किसी भी नंबर के ऊपर जो उसका पावर हो, अगर ऑड नंबर लगाओ और माइनस में हो, आंसर हमेशा माइनस ही आता है। यहाँ प्लस में है इसका आंसर प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस 5, ये माइनस से कट गया 8, -1 + 5 दैट इज इक्वल टू 4। हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही सॉल्व हो गया। थैंक यू।